22 फरवरी से देव गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। 28 मार्च को ये उदय होंगे। इस दौरान सभी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। विवाह के मुहूर्त फुलहरा दोष को छोड़ दो तो अप्रैल से ही प्रारंभ होंगे। दरअसल काकाखेड़ा निवासी पंडित अमन शर्मा ने बताया कि बृहस्पति ग्रह ज्ञान गुरु धर्म विवाह संतान वृद्धि के कारक है, धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ये 22 फरवरी को दोपहर 3:48 पर कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे। 28 मार्च के दोपहर 1:26 पर इसी राशि में उदय होंगे। उदय होने के बाद भी खरमास दोष के कारण नव संवत पर ही शुरू होंगे। इसके बाद ही मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो सकेंगे। विवाह के मुहूर्त 2 अप्रैल से ही प्रारंभ हो सकेंगे। वो पंचांग अनुसार दिनांक 24 फरवरी को ये सब जो मांगलिक कार्य हैं, जैसे विवाह है, जनेऊ है, मुंडन है, यज्ञोपवीत आदि जो संस्कार हैं, सब वर्जित हैं। इसके बाद ये सब कार्य बंद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बंद ये? क्योंकि बृहस्पति जो भगवान हैं, जो बृहस्पति हैं, वो देवताओं के गुरु हैं। उनकी अनुपस्थिति में या फिर अस्त हो जाने के बाद जो वैवाहिक कार्य हैं या फिर जो जनेऊ, यज्ञोपवीत आदि जो धार्मिक कार्य हैं, वह शुभ नहीं होते। अच्छा, यही मात्र एक कारण है। अच्छा, जो व्यक्ति इस बीच में शादी या कुछ शुभ कार्य करता है तो उसका क्या हानि होती है? हानि लाभ सब ईश्वर के हाथ है जी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस समय बृहस्पति और शुक्र जो ये जो दो गुरु हैं, इनकी अनुपस्थिति में कोई भी शुभ कार्य पूर्ण रूप से शुभ नहीं माना जाता है। तो जो शुभ कार्य किए जाएंगे वो किस तारीख के बाद कब से शुरू होंगे? इसके बाद 28 मार्च के बाद सन 2022 को उन्हें जो गुरु हैं उदय होंगे पश्चिम पूर्व में। अच्छा, उसके बाद से ही यज्ञोपवीत और आपके विवाह संस्कार आदि ये शुभ कार्य प्रारंभ हो सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। इन्हें मांगलिक और शुभ कार्यों का भी कारक माना जाता है, इसलिए इनके अस्त होने पर शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। अब 28 मार्च के बाद ही मांगलिक कार्य और 2 अप्रैल के बाद ही विवाह।